तो दरअसल हुआ क्या था कि भाई जब मैं घूमने गया तो अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान और आंधी आ गई, और अचानक से भाई एक टीन तो बिल्कुल हमारे जो है जहाँ पे हम बैठे थे एग्जैक्ट वहीं पे गिरी, और बिल्कुल इतना सा फासला रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो शूट नहीं हो पाया। तो एनीवे अब चलते हैं व्लॉग को थोड़ा सा बैक में, यानी कि रिवाइंड करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एक और नए व्लॉग में स्वागत है। भाई अपनी शक्ल इसीलिए हिंदी खा रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदी है अभी जो है, सारे बाल वगैरह सब ख़राब है, तो भाई काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और आज की शुरुआत होती है हमारे 9 बजे से उठने को लेके, बिकॉज़ भाई जो है पूरी छत अभी साफ़ करनी है, आधी से ज़्यादा कर चुके हैं, तो फटाफट निपटा देते हैं। थोड़ा बहुत नहाने के बाद अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, और भाई जो है सारा काम निपटा दिया गया है। अभी जाऊंगा नीचे और भाई जो है खाना वगैरह खाना है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है कि भाई जो है स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो भाई जॉब से थोड़े दिन के लिए राहत है। तो 20-25 दिन की समर हॉलीडेज़ है, तो बनाते हैं प्लान कहीं बाहर जाने का, बट डिसाइड नहीं हो रहा है कि कहाँ जाना है। तो भाई अभी थोड़ा सा चल रहा है सर्चिंग में, लेकिन बनाते हैं कुछ ना कुछ। वेल हल्का फुल्का बैकग्राउंड में अंधेरा इसीलिए है क्योंकि भाई सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए हैं गर्मी से डरते हुए, हल्की से उस खोल रखा है। तो अभी भाई जो है दोपहर में करने के लिए कुछ खास है नहीं, और भाई जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा, अगर कहीं बाहर जाए कोई एक्टिविटी या घर का कोई काम किया जाए तो इसी वजह से सारे खिड़की दरवाजे बंद करके भाई घर वाले सब आराम से सो रहे हैं, खाली बच्चे ही अंदर टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके लेट गया हूँ। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करें। अभी 2:30 बजे सो के उठा हूँ, और भाई जो है बाहर पीने का पानी आया हुआ है तो अभी वो भर रहे हैं। परेशानियों के बाद भाई जो है ऊपर पानी आ पाया है, नीचे जो था ये पाइप बार बार से वो मोटर के अंदर से निकलता जा रहा था, तो अभी वहाँ पे क्लिप वगैरह लगाई है। और सच कहूँ तो भाई आना हालत ख़राब हो गई, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं इन दिनों में, गर्मी में जो है ऑक्सीजन वैसे भी लो ही हो जाता है, और काफ़ी भाई जो है तेज़ धूप है। हालांकि 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। जी हाँ, सूरज ढल चुका है, और भाई जो है कूलर चला के अपना चारपाई पे आराम से लेटा हुआ हूँ। तो बस शाम हो चुकी है, अभी सो के उठा था, और भाई उठते ही फिर सो गया क्योंकि जाना तो कहीं है नहीं, क्योंकि भाई छुट्टियां चल रही है समर वेकेशन जो लगभग 25 डेज़ के आसपास है। तो भाई अभी जो है आँखें धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हुई है, अभी जाऊंगा नीचे और फटाफट चाय पीता हूँ। और भाई अभी जो है टाइम हो चुका है दोपहर, और अभी खाना खा रहे हैं सभी मिल के, और भाई जो है पनीर दही और देसी चटनी साथ में रोटियाँ। ऐसे तो खाना वगैरह खा के भैया वो लेट ही गए थे, और बाहर भाई जो है अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, तो देखा उठ के कि आसमान में आज तो बादल आ गए हैं, तो भाई धूप तो है नहीं लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि 46 के आसपास टेम्परेचर था, आई होप ये बरस जाए तो और अच्छा रहे यार, काफ़ी परेशान हो रहे हैं गर्मी से। देखो उम्मीद तो पूरी है, वही लगान मूवी वाला हो रहा है, गिर गिरा है बदरा। वाला भी टाइम पास हो नहीं रहा था, दोपहर में सारे सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी अपने फ्रेंड के पास क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो होप सो गर्मी कम लगे। वेल तो अभी आ गया हूँ मैं अपना घूम फिर के वापिस, और भाई जो है मस्त घटना हो गई जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी आपको व्लॉग में। तो भाई जो है शाम ऑलरेडी हो चुकी है,
और मौसम अभी भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी सी शेविंग देखी तो गंदी लग रही थी, हालांकि आज या कल वो भी कराएंगे। पूरा मौसम है जो पूरा सब कुछ भरा भरा है, कहीं पे खाली जगह नहीं है, तो हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन बता देना यार कमेंट करके। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।